पूरा सो पहचानिए जो लड़े दिन के हेत, पुर्जा पुर्जा कट मरे कभू ना छाड़े खेत। नमस्कार फ्रेंड्स, सभी का फिर से स्वागत है कौशिक थिंग्स चैनल के एक नए एपिसोड में। और जैसे आप सभी को पता ही है कि पिछले एपिसोड से हमने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है जिसका नाम रखा हमने वीर। उसमें हम इंडियन आर्मी के सेनानियों के बारे में हम लोग जान रहे हैं, एक एक वीरों के बारे में हम एक एक कहानी एक एक एपिसोड में सुन रहे हैं। तो आज हम जिस वीर का कहानी सुनने जा रहे हैं, उस कहानी पे जाने से पहले सभी काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो जिस वीर के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं, आप सभी को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा, उनका नाम था कैप्टन मेकेजाको कैंगरूसे। तो कैप्टन कैंगरूसे हमारे बिलोंग करते थे नागालैंड से। दोस्तों, मुझे पता नहीं आप सभी में से कितनों को पता है कि नागालैंड के जो हमारे निवासी हैं वो सभी जाने जाते हेड हंटर्स के रूप में। हेड हंटर्स, ये जन्म से पैदा होते ही इनके अंदर हंटिंग वार का जो कल्चर है इनके अंदर ढाल दिया जाता है। तो पैदा इसी योद्धा थे हमारे कैप्टन कैंगरू से। 1974 के 15 जुलाई को इनका जन्म हुआ था कोहिमा में, और ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ साल इन्होंने कोहिमा में टीचर का काम किया। फिर 1998 में उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया और कैप्टन के पोस्ट में उनका कमीशन हुआ सेकंड राजपूताना राइफल्स में। आप समझ सकते हैं कहां से नागालैंड, कहां राजपूताना राइफल्स, कैसा कौन कितना डिफरेंस है। इसीलिए इंटीग्रल हार्मोनी का जो एक बात हम सभी बोलते हैं, हम सुनते हैं, उसका जीता जाता स्वरूप अगर कोई है तो वो है इंडियन आर्मी, जहाँ पे एक नागालैंड का एक बंदा जाके राजपूताना राइफल्स के राजपूतों को लीड करता है। इससे ज़्यादा इंटीग्रेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा। तो राजपूताना राइफल्स में सेकंड राजरीफ में उनका पोस्टिंग हुआ। हमारे कैंगरूसे सर को घर पे उनके माता पिता प्यार से नेबो बुलाते थे, नेबो। तो हर किसी का जबान, आप सभी को पता है कि हिंदुस्तान में हर 50 किलोमीटर में जबान बदल जाता है और हर 100 किलोमीटर में दिखावट चेंज हो जाता है इंसान का। तो जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट का जबान या नॉर्थ इंडिया का जबान या साउथ इंडिया का जबान सब अलग है, तो हर कोई उनको नेबो नेबो नहीं बुला के प्यार से सब, बहुत सारे रेजिमेंट के ऐसे दोस्त थे जो उनको निम्बू सर बुलाते थे, क्योंकि कैप्टन रैंक के थे, वो हायर अथॉरिटी है, उनके जूनियर्स जो थे वो उनको बुलाते थे निम्बू सर प्यार से। तो 1999 में हुआ कारगिल वार, जहाँ पे ऑपरेशन विजय के समय हमारे कैंगरूसे सर को, कैप्टन कैंगरूसे को उनके टुकड़ी के साथ एक पॉइंट कैप्चर करने का ऑर्डर मिला। हमें समझना पड़ेगा दोस्तों कि कश्मीर ऐसे ही बहुत ठंडी जगह है, जहाँ पे बर्फबारी होती रहती है और ठंडा बहुत रहता है। और उस समय जो ठंडे के विंटर के सीज़न में ये कारगिल वार हुआ था, आप सभी को याद है शायद, तो समझिए ऐसे ही ठंडा इलाका, उसके ऊपर विंटर सीज़न, जहाँ पे चोटियों पे जिन सब चोटियों के ऊपर पाकिस्तानियों ने कब्जा कर रखा था, उन चोटियों के ऊपर माइनस रहता है, हमेशा माइनस में रहता है टेम्परेचर। उस समय हमारे कैप्टन कैंगरूसे को ऑर्डर मिला था कि एक चोटी को कैप्चर करें, वो अपने टुकड़ी के साथ आगे बढ़ते गए। ऐसे ही हवा, ठंडा हवा, उसके ऊपर बर्फबारी और बारिश,
कैप्टन कंगरू से चढ़ते रहे। उनको ऑर्डर मिला था कि एक चोटी के ऊपर 7 बंकर हैं, उसको आपको ध्वस्त करना है। जब वो आगे बढ़ते रहे तो जब आखिरी 100-200 मीटर का जब रास्ता था, वो देख रहे थे कि उनका पैर स्लिप हो रहा है। जूता आप सभी ने देखा होगा, आर्मी पर्सनल का जो जूता होता है वो बहुत मोटा सा होता है, वो उससे वो ग्रिप नहीं बना पा रहे थे चोटी पे, तो उनका पैर फिसल रहा था। तब उन्होंने एक जो काम किया वो हम सोच भी नहीं सकते, हम जैसे सिविलियन सोच भी नहीं सकते, वैसा काम उन्होंने कर दिया। उन्होंने अपना जूता मोजा वहीं पे खोल दिया। आप में से कितनों को पता है पता नहीं, लेकिन अगर ठंड से जहाँ पे माइनस सेंटीग्रेड रहता है, माइनस में टेम्परेचर रहता है, वहाँ पे ठंड में जूतों के साथ भी लोगों को फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है। और उस समय इस बर्फीली चोटी पे हमारे कैंगरू से सर जूता मोजा खोल के चढ़ गए। सोचिए क्या कैसा दीवानापन होगा आज़ादी के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए, कि एक इंसान ऐसा काम कर सकता है। वो जूता मोजा खोल के चढ़ गए ऊपर, उन जाके वहाँ पे लगा दिया हुक ताकि उनके साथी उनकी टुकड़ी ऊपर चढ़ सके। उन्होंने पहले धबा दिया, धबा बोला, कुछ बंकरों को ध्वस्त कर दिया। आखिरी जो बंकर बचे थे उस पे उन्होंने जब धावा बोला तो पहले तो 4 को बंदूक के गोली से मार दिया, उसके बाद हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। जैसे दोस्तों आप सभी को मैं पहले ही बता चुका था कि एक नागा जन्म से वो एक हंटर रहता है, हेड हंटर बोला ऐसा ही नहीं जाता है उनको, हंटर रहता है वो, पहले से वॉरियर पैदा ही होते हैं वॉरियर। उन्होंने हैंड टू हैंड कॉम्बैट में 4 को मार दिया। उतने में उनके सामने ग्रेनेड गिरा, स्प्लिंटर से उनके एब्डोमेन, उनके पेट में चोट लग गई, ब्लीडिंग हो रही थी। सभी टुकड़ियों के साथियों ने बोला कि सर आप नीचे चले जाइए, आप घायल है। लेकिन सोचिए क्या दीवानापन है, उन्होंने कहा कि जब तक मेरा ऑब्जेक्टिव ये बाकी सारे बंकर भी मैं ध्वस्त नहीं कर देता, मैं रुकूंगा नहीं। दोस्तों वही इंजर्ड अवस्था में पेट से खून निकल रहा है, पैरों के छाले निकल गए, दीवानापन देखिए दोस्तों, वो आगे बढ़ गए। आखिरी के बंकर भी उन्होंने ध्वस्त कर दिया, लेकिन गोली उन पे 1-2 नहीं 15-15 गोली लग गई उनके सीने में। 15 गोली पेट पे स्प्लिंटर, पैरों में जूते नहीं, हमारा हिंदुस्तानी आर्मी का जवान क्या नहीं कर सकता। इस परम वीरता के लिए मरणोपरांत उनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। जिन किन्हीं जगहों का नाम कहीं पे सुनने को नहीं मिलता, किसी न्यूज़पेपर में किसी न्यूज चैनल में सुनाई नहीं देता, लेकिन उन सभी जगहों का नाम सुनाई देता है कहां पे, इंडियन आर्मी में। कैप्टन कैंगरू से चले गए, लेकिन उनके पिताजी या उनके परिवार के लोग अभी भी, या पूरा नागालैंड उनके कारनामों से अभी भी उज्ज्वल है और हमेशा रहेगा। कौशिक थिंक्स चैनल की ओर से कैप्टन कंगरू से को सलाम। दोस्तों फिर से किसी वीर की कहानी लेके हम फिर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। तब तक देखते रहे कौशिक थिंक्स और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।